तब प्रभु यीशु यहुन्ना, याकूब और पतरस के साथ पहाड़ पर प्रार्थना के लिए गए। प्रार्थना के दौरान उनके चेहरे का स्वरूप बदल गया और वस्त्र सफेद होकर जगमगाने लगे। अचानक स्वर्गीय महिमा से परिपूर्ण भविष्यवक्ता मूसा और एलिया प्रभु यीशु से बातें करने लगे। आप परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करेंगे। आपकी मृत्यु यरूशलम में होगी। जाते समय पतरस ने प्रभु यीशु से कहा, स्वामी यह कितना अच्छा है कि हम यहां पर हैं। हम तीन मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए। पतरस ये कह ही रहा था कि एक बादल ने उन्हें घेर लिया और शिष्य डर गए और बादलों से आवाज आई, ये मेरा पुत्र है जिसे मैंने चुना है, इसकी सुनो।